यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों के 59 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का दौर सोमवार को शाम समाप्त हो गया। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में सभी का स्वागत करता हूं। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आगामी 23 फरवरी को पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले के कुल 59 सीटों पर मतदान होगा। यूपी चुनाव के चौथे चरण में कुल 624 मतदाता मैदान में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो इन 59 सीटों में से 51 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा सपा को 4, बसपा को 3 और भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली थी। चौथे चरण का चुनाव प्रचार काफी हाई वोल्टेज वाला रहा और सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार कार्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा के निशाने पर ज्यादातर सपा ही रही। भाजपा ने अहमदाबाद बम धमाके के मामले में पिछले शुक्रवार को अभियुक्तों को सुनवाई गई सजा को लेकर सपा पर तीखे वार किए और उसे आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाली पार्टी करार दिया। उधर अखिलेश की अगुवाई में सपा गठबंधन ने भाजपा की कथित नाकामियां गिनाते हुए वोटर्स से वोट मांगे। अखिलेश ने अपनी ज्यादातर रैलियों में चुनाव से पहले 3 चरणों में सपा गठबंधन को जोरदार समर्थन प्राप्त होने का दावा करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक पराजय होगी। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी कई रैलियां करके जनता से सपा, भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की अपील की और कहा कि प्रदेश की जनता को असली सुशासन सिर्फ बसपा ही दे सकती है। अब देखना यह होगा कि यूपी विधानसभा के चौथे चरण में किसको बढ़त मिलती है और किसको नहीं। राजनीति की ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।